दर्जनों छात्राएं मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर जिलाधिकारी से अपनी समस्या के समाधान की बात कही। छात्राओं का कहना है कि सरकार की योजना के अंतर्गत मिलने वाली स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जिससे परेशान करीब दो दर्जन छात्राएं अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। इनका कहना था कि इस वर्ष उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रहने के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरा था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी उनके खातों में पैसा नहीं आया है, जिससे वह काफी चिंतित हैं और इस समस्या को लेकर कई बार प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। सर, मेरा नाम सोलम है। क्या कहा जा रहा है? जिला अधिकारी साहब ने कहा है सर कि हाँ, आपकी वो जो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो स्वीकार की जाएगी। और सर, हम इसी वजह से आए थे यहाँ पे, क्योंकि हमें पैसों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है घर में। घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है सर, क्योंकि पापा जो है वो मजदूरी करते हैं सर, तो इस वजह से हमें स्कॉलरशिप मिल जाती है तो हम आगे क्लास में एडमिशन ले सकते हैं सर। इसी वजह से अगर हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली तो हम अपना आगे पढ़ नहीं पाएंगे सर।